नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एस्ट्रो तक चैनल एक बहुत ही खास चैनल है जो कि आपका अपना चैनल है। इस चैनल से जुड़ सकते हैं नो खास उपाय, एक ऐसे उपाय जिन्हें करके आपको विशेष लाभ होगा। कृष्ण जन्माष्टमी से पहले आपको इन खास तरह के उपायों की तैयारी करनी है और जन्माष्टमी पर इन उपायों को करना है। बहुत ही जल्दी लाभ होगा, आपके कार्य संपूर्ण जरूर होंगे। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप सभी लोग करें। आपकी कोई भी राशि है या आपको अगर अपनी राशि नहीं मालूम तब भी आप इस मंत्र का जाप करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से बहुत जल्दी लाभ होता है, सारे कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। पहले उपाय की बात कर लेते हैं। पहले उपाय में 5 मोर पंख चाहिए। इन 5 मोर पंखों को आपको अपने घर पे लगाना है। घर के अलग अलग कमरे में एक एक पंख को लगाना है। जैसे कि एक मोर पंख आपको अपने बच्चों के कमरे में लगाना है, एक अपने पूजा के कमरे में लगाना है जिस कमरे में आप पूजा करते हैं, एक मोर पंख आपको अपने बेडरूम में लगाना है और एक मोर पंख अपनी किचन में लगाना है। एक मोर पंख कृष्ण जी के झूले के लिए मंदिर में आपको लगाना है। पास में यदि कोई मंदिर है वहां जाकर कृष्ण भगवान जी का जो झूला है उस झूले में आप मोर पंख को लगा दीजिए। इस तरह से इन 5 मोर पंखों को आप लगा लेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा, आपके कार्य संपूर्ण जरूर होंगे। दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। दूसरा उपाय बांसुरी का उपाय है, अर्थात आपको कृष्ण भगवान को बांसुरी अर्पित करनी है। यह बांसुरी यदि चांदी की हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि चांदी की बांसुरी अर्पित नहीं कर सकते तो कम से कम लकड़ी की बांसुरी अर्पित जरूर कीजिए। और अब बात करेंगे तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय है खीर का भोग। कृष्ण भगवान को खीर का भोग लगाया, तुलसी के पत्र खीर में डालकर आप उस खीर का भोग लगाएं, इससे बहुत जल्दी लाभ होता है, आर्थिक संकट दूर होते हैं। तो यदि किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं आप तो इस उपाय को जरूर कीजिए। और अब चौथे उपाय की बात कर लेते हैं। दक्षिणावर्ती शंख ले लीजिए और इस शंख से आप यमुना का जल एकत्रित करके कृष्ण जी का अभिषेक कीजिए। याद रखिए, कृष्ण जी का अभिषेक यमुना के जल से होता है, गंगा जल से नहीं होता, और दक्षिणावर्ती शंख से ही अभिषेक करना अच्छा रहता है। इससे प्रभु प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर होगी। पांचवें उपाय की बात कर लेते हैं। तुलसी की माला ले लीजिए, क्योंकि कृष्ण भगवान को तुलसी की माला बहुत ज्यादा प्रिय है। तो तुलसी की माला से 11 माला आपने जाप करना है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप 11 माला करने से बहुत जल्दी लाभ होगा, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर होगी। और अब छठे उपाय की बात कर लेते हैं। कुएं से जल लाकर आप पीपल पर जन्माष्टमी के दिन जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से विशेष लाभ होता है। यदि आपके आसपास कुआं ना हो तो बोरिंग अगर हो रही होती है तो बोरिंग का जल भी उसी तरह का होता है। बोरिंग का जल आप पीपल के वृक्ष के पास जाकर अर्पित कीजिए। ऐसा करने से विशेष लाभ होता है, इससे लड़ाई झगड़ा नहीं होता और कष्ट समाप्त होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू करके इस उपाय को 6 हफ्तों तक जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से विशेष लाभ होता है, ऐसा करने से कष्ट दूर हो जाते हैं। सातवें उपाय की बात करते हैं। नारियल और बादाम, इन्हें आप मंदिर में जाकर कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने अर्पित कर दीजिए। इस उपाय को लगातार करते रहिए। कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू करके 27 दिन तक इस उपाय को कीजिए। ऐसा करने से विशेष लाभ होगा, आपके कार्य जरूर बनेंगे। और अब आठवें उपाय की बात कर लेते हैं। केसर वाले दूध से, अर्थात दूध में केसर मिलाकर, इससे केसर वाला दूध कहते हैं, और इसे 12 बजे रात को भगवान का अभिषेक करें। ऐसा करने से विशेष लाभ होता है, आपकी समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। और अब बात करेंगे
नौवें उपाय की। कुछ पैसे तथा तुलसी का एक पत्ता श्री कृष्ण जी को अर्पित जरूर कीजिएगा। आपके अंदर इतना समर्थ नहीं है कि कृष्ण भगवान को आप पैसे अर्पित कर सके, लेकिन ये भाव होता है। तो कुछ भी पैसे और साथ में तुलसी का पत्ता आप दोनों कृष्ण भगवान को अर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से विशेष लाभ होता है। और उसके पश्चात आप उन पैसों को अपने पर्स में रख लीजिए। आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी, कहीं ना कहीं से धन आपको प्राप्त होता रहेगा। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे 9 उपायों को अजमा के जरूर देखिएगा, इनसे लाभ जरूर होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।